झारखंड के सिंहभूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर मेरे आदिवासी भाई बहनों का हक है। जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी संपत्ति मानते हैं। यही वजह है कि वे राज्य के हर संसाधन को खुलेआम लूट रहे हैं। जेएमएम बड़े शराब घोटाले में शामिल था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रेत का अवैध खनन और लूट हो रही है। छोटे नेताओं से लेकर पूर्व सीएम तक हर कोई इसमें शामिल है। आदिवासियों की जमीन छीनने के बाद अब उनकी नजर भारतीय सेना की जमीन पर है। झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया।